तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्रिएटर का बैच मिल जाता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फायदे हैं, आपका क्या फायदा होता है आपको यदि ओरिजिनल क्रिएटर का बैच मिल जाता है, ठीक है। और यदि आपको अभी तक नहीं मिला ओरिजिनल क्रिएटर का बैच तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं या फिर उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्रिएटर का बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल क्रिएटर के क्या क्या फायदे हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जिले आपसे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए यार शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इसके लिए मैं अपनी वॉल की स्क्रीन पर जिले एप्लीकेशन खोलकर आपको बताऊंगा। तो यार हम अपनी वॉल की स्क्रीन पर चले जाते हैं, वहीं पर आपको सब कुछ समझा देते हैं कि तो यार हम अपनी वॉल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने अपने जीली एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं जो बताऊँगा उसको ध्यान से समझिएगा और जो मैं बोलूँगा उसको एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहना क्या है, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, अब मैं अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर मेरे को ओरिजिनल क्रिएटर का बैच ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या, आपको सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं ओरिजिनल क्रिएटर पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल क्रिएटर पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा ओरिजिनल क्रिएटर बेनिफिट्स, तो यहाँ पर लिखा रहेगा ओरिजिनल क्रिएटर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और नीचे आपको दिख रहा व्हाट इज ओरिजिनल क्रिएटर्स, मतलब कहने का मतलब ओरिजिनल क्रिएटर का क्या फायदा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओरिजिनल क्रिएटर रेफरेंस टू पब्लिश योर वन वीडियो नॉट पोस्टिंग ऑर्डर्स वीडियो पब्लिश वीडियो इज रिकमेंडेशन टू यूज एप शूटिंग टूल्स बीच विल गेट अप्रूवल मोर इजिली, मतलब कहने का मतलब आपको मैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में आपको यहाँ पर करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मूल निर्माता आपके स्वयं के वीडियो प्रकाशित करने के लिए संदर्भ करता है, दूसरों के प्रकाशित वीडियो पोस्ट नहीं करता, यह ऐप शूटिंग टूल्स का उपयोग करने के लिए अनुशंसित है जो अधिक आसानी से अनुमोदन प्राप्त करेगा। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आप ओरिजिनल क्रिएटर आपको दिया जाता है वो आपके स्वयं के वीडियो पर दिया जाता है, जो आप स्वयं से यहाँ पर वीडियो पोस्ट करते हैं, मतलब जो भी आप स्वयं से वीडियो यहाँ पर पोस्ट करते हैं, जो आप खुद बनाते हैं वीडियो, जिली कैमरा से वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्रिएटर का बैच दिया जाता है, मतलब वो ओरिजिनल हो जाता है आपका वीडियो, समझ लीजिए, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब केवल यही है कि आप जब भी यहाँ पर जिली ऐप पर वीडियो डालते हैं, यदि आप दूसरे का कंटेंट, मतलब इस हिसाब से बताया गया, यदि आप दूसरे का वीडियो यहाँ पर डालते अपनी आईडी पर, वो नॉन ओरिजिनल आता है, मतलब जो यहाँ पर आपका स्वयं का वीडियो होगा तो वो ओरिजिनल होगा, वो ओरिजिनल क्रिएटर के लिए अप्लाई हो सकता है, ठीक है। यदि आपकी आईडी पर किसी दूसरे का वीडियो अपलोडेड है तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल क्रिएटर का बैच नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब साफ साफ यही है। और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन बोनस, यदि आपको यहाँ पर आपका आईडी वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जब भी आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंधुओं।